Morning students, as you know in previous video we are covering the exercise of lesson number 1 and now it is time to start the next exercise from the same lesson and this is depend on opposite words and question number A say to you match the words in column A with their opposite in column B. आपको क्या करना है कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं उनको कॉलम बी के अपोजिट वर्ड्स से मैच करना है. तो हमने सबसे पहले आपको लिख दिया है जो वर्ड्स हैं उनका हिंदी मीनिंग. तो आप सबसे पहले इन वर्ड्स का को लिखकर उनकी हिंदी मीनिंग के साथ राइट करके लर्न करेंगे. अब हम चलते हैं आपको इसका अपोजिट से अवेयर करेंगे. तो देखिए हैप्पी मीन्स खुश होता है, फास्ट मीन्स तेज होता है, डार्क मीन्स अंधेरा होता है, ओपन मीन्स खोलना, स्वीट मीन्स मीठा, कोल्ड मीन्स ठंडा, टॉल मीन्स लंबा, फ्रंट मीन्स सामने या आगे, फ्रंट भी इसको पढ़ते हैं, अप मीन्स ऊपर, फॉलो मीन्स छिछला या उथला, डीप मीन्स गहरा, ब्राइट मीन्स उजाला या प्रकाश, शट मीन्स बंद करना, डाउन मीन्स नीचे, हॉट मीन्स गर्म, बैक मीन्स पीछे, सोर मीन्स खट्टा, शॉर्ट मीन्स छोटा, सैड मीन्स दुखी, सैड मीन्स दुखी, स्लो मीन्स धीरे. तो देखिए हैप्पी मतलब खुश होता है. तो आप लोग हिंदी में जानते हैं खुश का क्या होता है, दुखी या खुशी का दुख होता है. तो आपका हैप्पी का क्या हो जाएगा, सैड देखिए यहाँ पर है तो इनको आप मैच करा देंगे सैड से, ठीक मैच हो गया. फास्ट मीन्स तेज, अब तेज का धीरे धीरे यानी धीरे, तो देखिए धीरे कहाँ है आपका सबसे लास्ट में देखिए, तो फास्ट का क्या हो जाएगा स्लो, ठीक. अब देखिए डार्क मीन्स अंधेरा, तो अंधेरे का क्या होता है उजाला या प्रकाश, तो ये देखिए आपका जस्ट ब्राइट मीन्स उजाला. ओपन मीन्स खोलना, तो शट मीन्स बंद करना, ठीक. स्वीट मीन्स मीठा, तो सोर मीन्स खट्टा, खट्टा का मीठा या मीठा का खट्टा होता है. ठंडा कोल्ड मीन्स ठंडा, तो आपका हॉट मीन्स गर्म, तो हॉट मीन्स गर्म हो गया. टॉल मीन्स लंबा, तो शॉर्ट मीन्स छोटा, ठीक. फ्रंट मीन्स सामने या आगे, तो बैक मीन्स पीछे, ये हो गया आपका. अप मीन्स ऊपर, तो डाउन मीन्स नीचे, ये आपका हो गया. डाउन मीन्स नीचे. फॉलो मीन्स छिछला या उथला, फूला हुआ, तो डीप मीन्स गहरा, तो इसको सीधे डीप से मैच कर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर मैचिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ अपोजिट इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड ऑन दिस वर्ड अपोजिट्स. और जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपके इन्हीं वर्ड्स अपोजिट्स पर डिपेंड करता है. तो चलिए देखते हैं कैसे डिपेंड करता है और कैसे हम लोग करेंगे. देखिए करा कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द पेयर ऑफ अपोजिट्स. आपको पेयर ही तो बनाए थे ना, जैसे सोलो का छिछला, छिछला का छिछला या उथला का जो है डीप मीन्स गहरा, ये आपने अपोजिट ही बनाया था, ये वर्ड अपोजिट का पेयर था. तो आपको इनमें कह रहा है कि जो ये सेंटेंस हैं इनमें कॉलम ए और बी से लेकर इनको सेंटेंस को कंप्लीट करिए.
तो चलिए देखते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। व्हेन एवर वी गो फॉर अ ड्राइव आई सिट ऑन द, जब हम लोग चलाने या ड्राइव करने गाड़ी जाते हैं तो आई सिट ऑन, मैं बैठता हूँ फ्रंट मतलब आगे की सीट पर, फ्रंट सीट मतलब आगे की सीट पर, एंड माई सिस्टर सिट्स, मेरी बहन बैठती है ऑन द बैक सीट। समझ में आ गया? मतलब जब हम गाड़ी चलाते हैं तो मैं अगली सीट पर बैठती हूँ और मेरी बहन पिछली सीट पर बैठती है। क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़ना, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, अप मतलब ऊपर, द हिल मतलब पहाड़ी पर, इज डिफ़िकल्ट, पहाड़ी पर चढ़ने में क्या होती है, ऊपर चढ़ने में कठिनाई होती है, बट क्लाइंबिंग डाउन, लेकिन नीचे उतरने में यानी जो है नीचे चढ़ने में क्या होता है, ईजी, आसान होता है। यहाँ पर देखिए एक और आपका वर्ड अपोजिट हो जाएगा, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन और ईजी मीन्स सरल, यानी कठिन का सरल, ये भी आपका एक अलग से जो है आपकी देखिए वर्ड अपोजिट्स मिल गया। नेक्स्ट चलिए, द एंड ऑफ द पूल इज शॉलो, पूल मतलब तालाब, तालाब का जो आखिरी किनारा है वो क्या है, उथला है, ठीक ना, बट द पार्ट इज, बट दैट पार्ट इज डीप, लेकिन वह भाग क्या है, गहरा है, डीप मीन्स गहरा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैंगो इज स्वीट, आम क्या है, मीठा है, बट द एप्पल इज सोर, लेकिन जो सेब है वह क्या है, खट्टा है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर इज टॉल, मेरी दादी माँ लंबी हैं, बट माई मदर इज शॉर्ट, लेकिन मेरी माँ क्या हैं, छोटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है, द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था, बट द विंडो वॉज शट, लेकिन जो खिड़की थी वह क्या थी, बंद थी। द रूम इज डार्क, कमरे में अंधेरा था, बट द किचन इज ब्राइट, लेकिन किचन में क्या था, उजाला था। योर वॉच रनिंग स्लो, तुम्हारे जो है दौड़ने, तुम जब दौड़ते हो तो धीमा लगता है, आर मे बी माइंड इज फास्ट, लेकिन मैं अगर देखूं तो हो सकता है यह तेज होगा, तो यहाँ पे स्लो हमने फिलअप कर दिया, यहाँ पर फास्ट। सो स्टूडेंट्स, टूडेज योर होमवर्क इज लर्न एंड राइट गिवेन वर्ड अपोजिट विथ इट्स हिंदी मीनिंग, एंड स्टूडेंट्स आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट क्लास। सो अप टू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल।